हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे फ़ोन में ये जो सिंपल सा कीबोर्ड होता है जहाँ से हम कुछ भी टाइप वगैरह करते हैं, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी कीबोर्ड का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस कीबोर्ड के अंदर आप अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। और दोस्तों, सच मानिए कि कोई भी आपके ये फ़ोन में देखेगा कि आपके कीबोर्ड के बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो लगा हुआ है, वो 100% आपसे पूछेगा कि भाई ये आपने अपने कीबोर्ड के अंदर अपना फ़ोटो कैसे लगा लिया। देखने में काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी ऑसम लगता है, इसलिए लोग देख कर पूछे बिना रह नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर अपना फ़ोटो कैसे लगाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्तों आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे आपको एक लाइक कर देना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लेना होगा। कॉमेंट सेक्शन में आकर यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना है, कीबोर्ड माई फ़ोटो लिख कर, और आपको कमेंट कर देना है। ओके, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, जो कि ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल द कीबोर्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर इसे एनेबल कर लेना है। यहाँ से हम इसे ऑन कर देंगे, देन यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बैक करेंगे और यहाँ पर सेट द कीबोर्ड टू डिफ़ॉल्ट पे हमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पर हम इसी कीबोर्ड को सेट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको लास्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज द कीबोर्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा ऑप्शंस है। अगर आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बटन शेप अगर आप अपना बदलना चाहते हैं तो वो आप बदल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि फ़ोटो कैसे लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद जिस फ़ोटो को आप लगाना चाहते हैं उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते के साथ यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को, कितना आप रखना चाहते हैं, देन यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक कर यहाँ से डन कर दीजिएगा। ओके, डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो टाइप हो रहा है, ओके, लेकिन इसमें जो साउंड है ये आप सुन सकते हैं कि कितना ये मतलब कि ऑसम लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट साउंड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 10 नंबर पर है, तो इसे हम ऑन कर देंगे और काफ़ी फनी टाइप का लगता है सुनने में। कोई भी सुनेगा वो 100% आपसे पूछेगा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी मतलब कि फनी टाइप का साउंड है, कोई भी देखेगा वो हंस पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। देन सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ से सेट द कीबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आपके जो वो ये सेट हो जाएगा आपके फ़ोन में। फिर जाकर अगर आप कभी भी कीबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आपके कीबोर्ड के बैकग्राउंड में फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पर कीबोर्ड के अंदर फ़ोटो आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पर जो है वो टाइप होगा। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, एक बार अपने फ़ोन में जरूर ट्राई कीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।